नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर में लगातार कोरोना विस्फोट हो रहा है। शाम 6 बजे तक 27 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और 8 बजे के बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें सागर से 36 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जो कि खतरे की घंटी है। हम आपको बता दें, लगातार केस बढ़ रहे हैं लेकिन जनता संभलने का नाम नहीं ले रही है। 100 लोग कहीं खड़े हैं तो मुश्किल से 5 लोग भी मास्क नहीं लगाए रहते हैं और यही वजह है कि सागर में अब लगातार संक्रमण की दर बढ़ रही है, जो कि चिंताजनक है। 36 कोरोना पॉजिटिव आज फिर पाए गए हैं सागर में। सुनिए बीएमसी से डॉक्टर सुमित रावत ने इसकी विस्तार से जानकारी दी है। आज 7 जनवरी 2022 को बीएमसी वायरोलॉजी लैब से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है रात्रि 8:30 बजे तक, एवं जो एंटीजन टेस्टिंग की रिपोर्ट भी है इसमें शामिल, तो दोनों को मिलाकर जो है 36 लोगों की रिपोर्ट जो है आज पॉजिटिव पाई गई है। इसमें पहली जो है ये 14 वर्षीय बालिका मकरोनिया, इसके अलावा 38 वर्षीय महिला, 15 वर्षीय बालिका और 16 वर्षीय बालिका ये काकागंज, 15 वर्षीय बालिका संत कबीर वार्ड, 57 वर्षीय महिला तिरुपतिपुरम, 15 वर्षीय बालिका घूगर, 40 वर्षीय पुरुष न्यू ऑफिसर कॉलोनी, 22 वर्षीय पुरुष यूटीडी कैंपस हॉस्टल से, 21 वर्षीय युवती सिविल लाइन बंगाली हॉस्टल, 19 वर्षीय युवती और 22 वर्षीय युवती बीएमसी कैंपस दोनों हॉस्टल से, इसके अलावा 20 वर्षीय युवक ये परकोटा वार्ड से, 18 वर्षीय युवक गल्ला मंडी के पास, 21 वर्षीय युवती यूटीडी कैंपस हॉस्टल, इसके अलावा 51 वर्षीय पुरुष गढ़ाकोटा सुभाष वार्ड, 27 वर्षीय युवती तिली बालक कॉम्प्लेक्स, 54 वर्षीय पुरुष बाहुबली कॉलोनी, 22 वर्षीय पुरुष बरखेड़ा हनुमान मंदिर के पास, 22 वर्षीय पुरुष रजाखेड़ी आनंद नगर, 23 वर्षीय युवती यूडीटी कैंपस, 37 वर्षीय पुरुष सनराइज रेसिडेंसी, इसके अलावा 39 वर्षीय पुरुष, 41 वर्षीय पुरुष, 33 वर्षीय पुरुष, 30 वर्षीय पुरुष, 26 वर्षीय युवती, 38 वर्षीय युवती ये सभी कैंट से सागर से, और 49 वर्षीय पुरुष बिजली मंदिर के पास, 46 वर्षीय महिला भगत सिंह वार्ड, 7 वर्षीय बालिका कर्रापुर, 33 वर्षीय पुरुष, 30 वर्षीय पुरुष, 14 वर्षीय बालक सागर कैंट, 41 वर्षीय महिला मकरोनिया से, एवं आखिर में 38 वर्षीय पुरुष सागर कैंट से। तो आज का यही अपडेट है। आपसे अपील करूंगा, सावधानी बनाए रखें, वैक्सीनेशन जरूर कराएं और कोई समस्या आने पर डॉक्टर की सलाह लें। नमस्कार।